महादेव पर रण तो शिव की शरण। रामकृपाल जी मतलब हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन जी ने कह दिया कि मल्लिकार्जुन का मतलब ही शंकर से मिलता जुलता है, तो अच्छी बात है ये। और ये सारी पार्टियां पिछले काफी समय से, जब मैंने सुना था कि ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी थी, सीताराम येचुरी जहाँ होता था, मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज ओपियम, वो भी महाभारत के पात्रों का नाम लेने लगे। आवाज खड़गे जी कह रहे हैं कि हमारे नाम में खुद शंकर का एक ध्वनि आती है, तो अच्छी बात है, सब लोग उसी पर हैं। और अभी कुछ दिन पहले, शायद 2-3 पहले खुद नहीं, सवाल ही होता है ना कि भाई सियासत के बिसात पर अगर हिंदुत्व का मुद्दा जो बीजेपी की यूएसपी थी कांग्रेस ही उस पर आक्रामक हो जाए तो फिर बचता क्या? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस हो आक्रामक तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, मतलब उससे नहीं, सवाल बीजेपी के नुकसान और फायदे का नहीं है। कांग्रेस अपनी एक पोजीशन ले रही है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तरह की पार्टी, बीजेपी पर्टिकुलर तरह की पॉलिटिक्स करने के लिए बीजेपी जानी जाती है, जो हिंदुत्व सेंट्रिक है। ये कोई आज का बीजेपी नहीं है, जब से बनी है बीजेपी, जब से जनसंघ बना है तब से, कोई नई बात नहीं है। तो कांग्रेस उसको कैसे काउंटर करेगी? कांग्रेस भी उसी स्तर पर आकर उसको काउंटर करेगी। अब आपने एक ऐप के जरिए भगवान शंकर, बाबा भोलेनाथ को जोड़कर, भ्रष्टाचार को जोड़कर, उससे आपने अटैक करने का प्रयास किया है कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस भी बताएगी कि भाई आप इसमें अकेले तो है नहीं, अगर आप भगवान शंकर को याद कर सकते हैं तो हिंदुस्तान में किसी और को कोई एतराज नहीं है, वो भी भगवान शंकर को याद करेगा। सबके याद करने के तरीके अलग हो सकते हैं, तो मुझे कांग्रेस के काउंटर करने में कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं नजर आती, नई बात नजर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बिल्कुल शायद नजर नहीं आती है हिंदुत्व के मुद्दे पर। क्या बात कर रही हैं, ये 2014 वाली कांग्रेस नहीं है। अगर आप भूपेश बघेल के पिछले 5 साल के इतिहास को देखें 2018 से, तो रमन सिंह का 15 साल का जो इतिहास है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी हिंदुत्व वाले मसले पर शर्मा जाएगी। आप विजय जी कह रहे थे कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व, या शायद आप कह रही हैं सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, आक्रामक, बिल्कुल आक्रामक हिंदुत्व है। उन्होंने जितनी उन्होंने कृष्ण कुंज बना रहे हैं, वो कौशल्या मंदिर बना रहे हैं, वो राम वन गमन बना रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, इनकी गोष्ठियों को स्पॉन्सर कर रही है उनकी सरकार। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस तरह से राजनीति करती है, ठीक उसी तरीके से। उनको एक और फायदा है, छत्तीसगढ़ का जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अल्पसंख्यक बहुत कम है। अगर आप आंकड़े में देखें तो 4% अल्पसंख्यक होते हैं, व्यवहारिक रूप से थोड़े ज्यादा हैं, तो उसमें सारा खेल जो है वो हिंदुओं और आदिवासियों का खेल है। सर, इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व का मुद्दा जो माना जाता था कि बीजेपी के लिए खुली पिच, वैसा अब नहीं रह गया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस असर्ट कर रही है, और पहले तो सिर्फ और सिर्फ जो राज्यों के अंदर कांग्रेस के नेता थे, जैसे भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, कमलनाथ का नाम आ रहा है, यही वो पोजिशनिंग लेते हुए नजर आते थे। लेकिन अब तस्वीर बदली है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी तरफ से अगर ये बात कही जा रही है तो गांधी परिवार के मुकाबले तो उसमें ज्यादा वजन आ जाता है ना। क्यों किया जा रहा है? सोचा आपने? वो इसलिए कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की पार्टी ने हिंदुस्तान का पॉलिटिकल पैराडाइम बदल दिया। उससे पहले आप मुस्लिम या माइनॉरिटी के सेंटीमेंट्स के साथ, अपीजमेंट के साथ 15% वोट वो और 15% वोट के साथ 30-32% पर सरकार बनाते थे। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम अपीजमेंट को इतना बड़ा विलेन बना दिया कि अब सारा का सारा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया। अब आपको मुस्लिम अपीजमेंट के नाम से ही डर लगता है, तो हर एक को वहां पर आकर हिंदू के बड़ा होना है और एग्रेसिव वहां पर करना। और उसका एक उदाहरण बताता हूं कि 2019 में जितनी मुस्लिम डोमिनेंस सीट थी उनमें से 80% सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यदि आप मुस्लिम के नाम पर पोलराइजेशन करेंगे तो वो काउंटर में हिंदू पोलराइज करेंगे। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर, वहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो 3 सबसे बड़ी खामियां बताई गई थी और विपक्ष को जिसको लेकर घेरा गया था, वो 3 कौन कौन सी थी? भ्रष्टाचार था, परिवारवाद था, और तीसरा यही तुष्टीकरण, जिसका अभी जिक्र विजय जी कर रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।